तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेटिविटी स्पेस के बारे में समझने जा रहे हैं। और पहला बात देखो, रिलेटिविटी स्पेस कोई टर्म नहीं है, ये एक कंपनी है। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो कमेंट में बताना। और आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेटिविटी स्पेस बेसिकली क्या कर रहा है उसके बारे में थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इनका मैं आपको मोटो या फिर एक टैगलाइन बताता हूँ, जो काफी इनका फेमस टैगलाइन है। और आपको ये इनका वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। काफी सारा और यूजफुल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो उनका देखो, नॉर्मली हमें रॉकेट बनाने में सालों साल लग जाते हैं, तब जा करके एक रॉकेट स्टार्ट होता है बनता है। और मतलब वो भी अगर किसी वजह से फेल हो गया तो भाई फिर आपका मिशन 10-15 साल पीछे चला जाता है। जी हाँ, 10-15 साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। अगर मान लो आपका कोई भी मिशन, अगर रॉकेट वगैरह कुछ फेल हो गया तो फिर आपका मिशन लगभग 10-15 साल पीछे भी जा सकता है। तो इनका काफ़ी फेमस सा टैगलाइन है, और काफ़ी मुझे ये वाला काफ़ी इनका टैगलाइन तगड़ा लगा कि ये बोलते हैं कि रॉकेट ये बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले प्रिंट करते हैं और फ्लाई करते हैं। डिजाइन, प्रिंट एंड फ्लाई, ये इनका आप बोल सकते हो मोटो, या फिर इनका बोल सकते हो कि इनकी कंपनी का एक टैगलाइन है। तो इस टैगलाइन में आपने एक चीज ध्यान दी कि यहां पर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। डिजाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रिंट वर्ड के बारे में मैंने बात किया है, प्रिंट टर्म। तो इस प्रिंट टर्म पे थोड़ा सा मैं पहले गौर करना चाहता हूँ कि इस प्रिंट टर्म पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। डिजाइन, प्रिंट एंड फ्लाई, तो ये इनकी कंपनी का मोटो है, और एज अ टैगलाइन इनसे बोल सकते हो कि डिजाइन, प्रिंट एंड फ्लाई। तो अब इस प्रिंट वाले टर्म को समझते हैं। देखो, ये रिलेटिविटी स्पेस या फिर इस कंपनी, ये कंपनी कुछ ऐसे काम कर रही है जो अभी इस मार्केट में कोई नहीं कर रहा है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सिंपली रॉकेट बनाते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते, ये लोग रॉकेट को प्रिंट करते हैं। जी हाँ, ये लोग रॉकेट को प्रिंट करते हैं। रिलेटिविटी स्पेस कंपनी के पास आप बोल सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटर है, और उस प्रिंटर से वो मेटल को मेल्ट करते हैं। मेटल, आप मेटल नहीं, वो बेसिकली एक एलॉय होता है, तो उस एलॉय को मेल्ट करते हैं, और उसके बाद वो लोग रॉकेट के जितने भी मेटल वाले पार्ट है उन सभी पार्ट्स को, वेल्व हो गए, थ्रस्टर हो गए, और जितने भी मेटल वाले पार्ट हो गए, वो लोग सारा कुछ को प्रिंट करते हैं बजाय कि उसे अलग अलग बनाने का। तो आप सोच सकते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी इस मार्केट में या फिर इस स्पेस रेस में कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, यानी कि रॉकेट को कोई बैठ के प्रिंट नहीं कर रहा है, सब लोग रॉकेट बना रहे हैं। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग छोड़ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा करके बाकी जितने भी मेटल वाली चीजें या फिर जितने जितने भी जगह हम लोग एलॉय यूज करते हैं, वहां पर ये लोग उसे बना नहीं रहे, ये लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं, वो भी इनका खुद का कस्टम डिजाइन 3D प्रिंटर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मार्केट में ऐसा एक भी 3D प्रिंटर नहीं है, और इतना बड़ा एक भी 3D प्रिंटर नहीं है जिससे आप रॉकेट्स के पार्ट्स को या फिर रॉकेट को प्रिंट कर सको। लिटरली रॉकेट रॉकेट को ये लोग प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो 3D प्रिंटर है, ये इनका कस्टम मेड 3D प्रिंटर है। जैसा कि इनका 3D प्रिंटर खुद का है, ठीक है, तो ये 3D प्रिंटर जिस सॉफ्टवेयर पे चलेगा वो भी इनका खुद का ही है। अभी देखो, ये लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तो इन्हें अभी जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर इन्हें जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, वो सारा कुछ इन्हें खुद ही सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक किसी ने भी रॉकेट को लिटरली प्रिंट तो नहीं किया है, तो ये लोग उस काम को कर रहे हैं। तो इनके पास इनका खुद का कस्टम मेड 3D प्रिंटर है, जो काफी, मैं इमेजेस वगैरह डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहना, काफी तगड़ा दिखता है, और इमेजेस वगैरह देखते रहना। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि इनका जो सॉफ्टवेयर है, ये भी इनका खुद का लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है, और इस पर इन्होंने AI को ऐसे करके पोता है। पोता है इन द सेंस कि मतलब भाई भर भर करके इनके सॉफ्टवेयर के साथ इन्होंने AI को इंटेग्रेट किया है, तब जा करके इनका प्रिंटर अभी कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है। ये कंपनी लगभग 4-5 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और अभी ये लोग काफी तगड़े, मतलब 4-5 साल के फेज में अगर देखा जाए तो अभी काफी तगड़ा डेवलपमेंट कर चुके हैं ये लोग, और इनका 3D प्रिंटर भी काफी ज्यादा डेवलप हो गया।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लो अभी तक ये लोग फुल्ली, हम लोग इसे बोल नहीं सकते कि ये लोग सक्सेसफुल है, लेकिन काफी हद तक ये लोग अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं। सपोज करो कि इनका 3D प्रिंटर बन के रेडी हो गया और इन्होंने रॉकेट्स को लिटरली प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप समझ सकते हो ये लोग आएंगे बोलेंगे SpaceX साइड हटो, ब्लू ऑरिजिन साइड हटो, इस तरह करके ये लोग बोलेंगे SpaceX साइड हटो, ब्लू ऑरिजिन साइड हटो। और जितने भी एक वो भी कंपनी थी यार जो अभी हाल ही में इन्होंने जुलाई में एक अपना स्पेस शटल लॉन्च किया और प्राइवेट कंपनी है वो भी वर्जिन गैलेक्टिक, हाँ उसका नाम वर्जिन गैलेक्टिक है, तो बोलेंगे भाई वर्जिन गैलेक्टिक साइड हटो, SpaceX साइड हटो, हम आपको दिखाते हैं कि रॉकेट्स को सप्ताह भर में, दिन भर में, 7 दिनों में 14 दिनों में कैसे बना करके उड़ा करके स्पेस से हम दोबारा उड़ा सकते हैं और फिर उसे दोबारा नीचे भी लाया जा सकता है। तो ये लोग लिटरली ऐसे कर देंगे कि भाई पूरी मार्केट को एक साइड हटा देंगे और पूरी मार्केट को यही लोग कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हो और आप लोग भी समझते हो कि रॉकेट को बनाने में भाई कितना समय लगता है। और ये लोग लिटरली बोल रहे हैं कि महीने दो महीने में ये लोग एक एक रॉकेट या फिर इससे भी कम समय में 30 दिनों में 20 दिनों में ये लोग रॉकेट बना सकते, लिटरली रॉकेट को प्रिंट कर सकते हैं। तो भाई मतलब ये तो एक अलग ही लेवल पे ये रिलेटिविटी स्पेस खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक और चीज़ कि ये जो रिलेटिविटी स्पेस है इसमें बहुत तगड़े तगड़े आदमी लोग हैं, मतलब तगड़े तगड़े बंदे लोग हैं आप लोग बोल सकते हो, कि कुछ लोग ब्लू ऑरिजिन से आए हुए, कुछ लोग SpaceX से आए हुए, कुछ लोग नासा से आए हुए, और ये लोग मिल करके कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो भाई आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली, अच्छा मुझे लगता है कि एक दो इन्फॉर्मेशन छूट गया, हाँ एक सेकंड रुक जाए, एक और बात बताना मुझे कि इस वाला ये जो फाल्कन 9 आपने सुना होगा इस रॉकेट के बारे में, तो आप समझ सकते हो ये जो रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका जो रॉकेट है ये समझ सकते हो आपकी फाल्कन 9 को धो करके हटा सकता है, ईजिली धो करके हटा सकता है, क्योंकि जब फाल्कन 9 बना था तो उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए थे। लेकिन इस जो ये लोग बनाएंगे इनके पास क्योंकि इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है तो इन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की ऐसा इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और जब इन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो भाई इनका जो स्पेस शटल या फिर आप रॉकेट बोल सकते हो वो फाल्कन 9 को धो पोछ करके साइड कर देगा, बोलेगा तुम हटो यहाँ से, तुम लिटरली हटो, हम आपको दिखाते हैं कि रॉकेट कैसे बनाए जाते हैं और रॉकेट को कैसे लॉन्च किया जाता है। मतलब अगर इनका 3D प्रिंटर रेडी हो गया, इन्हें सिर्फ किस बात की देरी है कि अभी नॉर्मल जितनी भी कंपनी है वो लोग रॉकेट बनाने पे ध्यान दे रहे हैं और ये लोग अपने 3D प्रिंटर को बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, कि इनका 3D प्रिंटर जिस दिन बन गया और जिस दिन सक्सेसफुल हो गया इनका 3D प्रिंटर और तगड़े लेवल पे काम करने लगा, उस दिन ये लोग पूरी मार्केट को धोपोच करके हटा देंगे, बोलेंगे भाई हम आपको दिखाते हैं कि रॉकेट को कैसे बनाया जाता है या फिर कैसे लिटरली प्रिंट किया जाता है। तो मैं आप समझता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।